गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड की, RCFL की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है आपके लिए ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर सैलरी भी होने वाली है, क्योंकि सबसे अधिक जो सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो इसी डिपार्टमेंट में दी जाती है, ऐसे जो हम लिमिटेड कंपनियों की बात कर रहे हैं जिसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो RCFL के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है वो जारी कर दी गई है। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं RCFL के रिक्वायरमेंट पोर्टल पर, और जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया गया है प्लांट और ट्रेनी और केमिकल एंड जूनियर फायरमैन के लिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओनली फॉर ITI स्टूडेंटों की बात करेंगे। ठीक है, ओनली फॉर ITI स्टूडेंटों की बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ITI स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जिसकी डेट भी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर इशू कर दी है। तो देखिए, जैसे मैंने बात की थी अभी किसकी, प्लांट ऑपरेटर की, तो प्लांट ऑपरेटर में केमिकल प्लांट ऑपरेटर की हम लोग बात की थी, तो इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है 12 मार्च 2022 को जारी कर दिया गया है। ठीक है, यदि इसी प्रकार से मैं बात करूँ तो जूनियर फायरमैन का नोटिफिकेशन भी 12 मार्च को जारी कर दिया गया है। अब यदि मैं बात करूं तो आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन की मैं यहां पर बात करूंगा, तो देखिए ये रहा ITI इलेक्ट्रीशियन, 6 नंबर की जो पोस्ट आपकी रहने वाली है, ये टेक्नीशियन मैकेनिकल फिटर के लिए रहने वाली है, जिसकी जो ग्रेड पे रहेगी 22,000 से 60,000 रहेगी, और रिलीज ऑफ डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन है वो 16 मार्च 2003 को सुबह 8 बजे आपका जो ये नोटिस है ये जारी कर दिया जाएगा। जबकि बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड है इसके लिए भी सेम 16 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और यदि मैं बात करूं ITI इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के लिए, तो इसका भी सेम डिटेल्स नोटिफिकेशन है जो 16 मार्च 2022 को जारी कर दिया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन बाई कैंडिडेट 21/3/2022 को सुबह 8 बजे से ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, जबकि इसका जो लास्ट डेट रहेगी वो 4/4/2022 रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर ये निकल करके सामने आ रही है कि जो RCFL है, जो RCFL है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, इसके द्वारा जो रिक्वायरमेंट जारी कर दी गई है, डिटेल नोटिफिकेशन आना बाकी है, जो डिटेल नोटिफिकेशन आपका 16 मार्च को ITI इलेक्ट्रीशियन फिटर और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के लिए जारी कर दिया जाएगा। केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए तो जारी कर दिया गया। ठीक है, इसके जो ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट होंगे आपके ITI से संबंधित, वो सभी ऑनलाइन फॉरम आपके स्टार्ट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉरम आपके स्टार्ट होंगे, ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये देखिए 21 मार्च 2022 से ऑनलाइन फॉरम स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ये 4 अप्रैल 2022 लास्ट डेट रहने वाली। तो डियर फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और हम लोग जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 16 मार्च को, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बना देंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।